आईपीएल 2021 के सीजन के पोस्टपोन होने के बाद बीसीसीआई प्रयास कर रहा है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में अब बचे हुए 31 आईपीएल के मुकाबले कराए जाए। लेकिन आईपीएल पोस्टपोन होने के बाद अब पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर की यहाँ पर आईपीएल के बचे हुए आधे सीजन में अब एंट्री हो चुकी है। आईपीएल के बचे हुए 31 मुकाबले खेलने के लिए अब इनके आईपीएल में एंट्री हो चुकी है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर आईपीएल 2021 के सीजन में किस तरीके से मोहम्मद आमिर की एंट्री हुई है, कौन सी आईपीएल टीमों की तरफ से ये इस आईपीएल एडिशन में हमें खेलते हुए देखेंगे। मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, आपको बताऊंगा कि अब कब से आईपीएल शुरू होगा और कौन सी तारीख से ये उपलब्ध हो जाएंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब बात करते हैं आखिर आईपीएल के बचे हुए मुकाबले हमें कब से देखने को मिलेंगे और किस तरीके से मोहम्मद आमिर की बचे हुए मुकाबलों के लिए आईपीएल में एंट्री हुई। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आईपीएल के बचे हुए मुकाबलों की, तो बीसीसीआई प्रयास कर रहा है कि सितंबर अक्टूबर की विंडो में या तो इंग्लैंड में या फिर दुबई में आईपीएल के बचे हुए मुकाबले कराए जाए। और यहाँ पर कल ही मोहम्मद आमिर ने अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के 6 महीने बाद अब यहाँ पर इन्होंने ब्रिटिश की नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया है और लगभग 15 से 20 दिन में जब इनके डॉक्यूमेंट यहाँ पर वेरीफाई हो जाएंगे तो इनको यहाँ पर ब्रिटिश की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी और पाकिस्तान से पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे। और ब्रिटिश की नागरिकता मिलने के बाद ये आईपीएल में खेलने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। इवन इससे पहले भी यहाँ पर काफी सारे पाकिस्तानी प्लेयर ब्रिटिश की नागरिकता से आईपीएल में खेल चुके, पंजाब केकेआर के लिए काफी सारे प्लेयर्स खेल चुके हैं। तो कुल मिलाकर मोहम्मद आमिर ने अब नागरिकता के लिए अप्लाई करते ही इन्होंने बीसीसीआई को एक लेटर भेजा जहाँ पर बीसीसीआई से इन्होंने अनुमति मांगी कि आईपीएल के बचे हुए मुकाबलों में यहाँ पर खेलना चाहते हैं। हालांकि ऑक्शन में इन्होंने नाम नहीं दिया था तो इस नियम के आधार पर तो बचे हुए मुकाबलों में ये नहीं खेल पाएंगे, लेकिन अगर बीसीसीआई की तरफ से इनको अनुमति मिलती है और 2 से 3 आईपीएल टीमें अगर इनको लेने के लिए रिक्वेस्ट करती है तो इस आईपीएल एडिशन में ये बचे हुए 31 मुकाबलों के लिए हमें कमबैक करते हुए दिखेंगे। और अगर यहाँ पर इस साल आईपीएल के मुकाबलों में इनको ऑक्शन में नाम ना आने के कारण अगर अनुमति नहीं मिलती है तो जो 5 से 6 महीने बाद आईपीएल का मेगा ऑक्शन होगा नवंबर दिसंबर में, जो आईपीएल की बड़ी नीलामी होगी, उस नीलामी में 100% कंफर्म रूप से हमें मोहम्मद आमिर का नाम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इनका नाम ऑक्शन में आने से पहले ही इवन यहाँ पर बचे हुए 31 मुकाबलों को लेकर ही यहाँ पर आरसीबी, एमआई, सीएसके जैसी टीमें इनको टारगेट कर रही है। तो कुल मिलाकर मोहम्मद आमिर के पीछे यहाँ पर ये 3 टीमें आ चुकी और इनको नागरिकता मिलने के बाद यहाँ पर बड़ी खबर आएगी। या तो हो सकता है कि इनको आईपीएल में खेलने की जल्दी अनुमति मिल जाए और यहाँ पर हो सकता है कि बचे हुए 31 मुकाबलों में हमें किसी ना किसी टीम की तरफ से खेलते हुए दिखे। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर बीसीसीआई को इनको अनुमति देनी चाहिए या फिर नहीं, और आपके अकॉर्डिंग आखिर कौन सी आईपीएल टीम को इनको परचेस करना चाहिए, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।